अबे यार अबे क्या हो गया मेरे साथ ही, क्यों ऐसा? अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई स्पार्क प्लग ही निकल गया। ओहो स्पार्क प्लग खराब है। अरे खराब है भैया, निकल जा। गाइस आप इसे खराब समझ रहे हो? भाई तो जब भी अपनी बाइक लेकर मैकेनिक के पास जाते हो गाइस, वो इसे फेंक देता है या अपने पास रख लेता है। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे वापस लेकर आओगे मैकेनिक से पैसे देकर। यार ऐसे लग रहा है कि मैं सीरियस बोल रहा हूं। अरे भाई साहब हंसी खुशी रहना है, मस्त रहना है, मजे में रहना है। वीडियो देखनी है समर एक्सपेरिमेंट, चलेगा चलते अपने टॉपिक पर। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा खराब पार्ट प्लग लेकर आऊं मैकेनिक से। तो भाई फटाफट बैठते हैं अपने हवाई जहाज पर। ये मैं कुछ लेकर आया हूं 4-5 स्पार्क प्लग। तो चलेगा फटाफट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो चलेगा फटाफट इनमें से कोई एक ले लेते हैं। तो भाई सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, और भाई इसे तोड़ते हैं। गाइस जितना ये भार आ जाए उतना भैया हमारे लिए बढ़िया होगा, चाहे हमें इसके लिए इसे काटना क्यों ना पड़े। तो भाई ये इसमें से निकल चुका है और इसकी अभी फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं मेटल कौन सा है। हाँ ये लोहा है। खैर कोई नहीं, तो चलो भाई अब जानते हैं इसका मेन यूज। तो गाइस ये रहा मेरे पास सोल्डरिंग आयरन। और भाई इसकी बिट खराब हो गई, 35 रुपए की आती है भाई, बड़ी कॉस्टली आती है इसकी बिट। और भाई इस पर्पल तो मेरे पास फिर ही पड़ा था, तो भाई मैंने सोचा इसमें लगा के देख लेते हैं। ठीक है तो भाई इसमें लगाओ सीधा, तो आप इसे ज्यादा या कम भी कर सकते हो। लीजिए हो गया टाइट, अब इसे चला के देखते हैं। तो भाई चलिए फटाफट लगाते हैं प्लग। और हाँ हीट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। A few moments later. तो गाइस लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और इतना टाइम लेता है। ठीक है अब देखते हैं भाई कितना गर्म हुआ ये काम करने। भाई वाह गाइस काम कर रहा है, किस तरीके से नदी की होल्ड कर रखा है शोल्डर को, मस्त बिल्कुल। वैसे गाइस उम्मीद तो थी नहीं, है कोई नहीं, आपके सामने लाइव टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बेहतरीन, मस्त। थोड़ा सा वायर जोड़ के भी देख लेते हैं, तो बहुत ही मस्त। और गाइस देखिए बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। और भाई जब भी हम कोई बिट लाते हैं ना भाई, उसे बाद में जब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसे घिसना पड़ता है, रब करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत मस्त। तो है भैया देखिए तार ही टूट गया। खैर ज्यादा लंबी टेस्टिंग हो जाएगी, इसका कोई इतना फायदा मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अच्छी तरह जानते हो। तो भाई हमारा जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फटाफट गाइस सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस इस बार भी और हर बार भी हम लेंगे स्पार्क प्लग इस वीडियो में। तो भाई मैंने ले लिया स्पार्क प्लग, और गाइस इसका जो कोटिंग है ना, ये इंसुलेटर जो सेरेमिक इंसुलेटर है, इसे हम तोड़ेंगे। लेकिन गाइस तोड़ेंगे क्यों यार, जब हमने पहले तोड़ लिया भाई ये पड़ा। तो भाई मैंने सोचा क्यों आपको दोबारा तोड़ के दिखाऊं, क्यों नुकसान करूं, ठीक है और चीजें काम आएंगी। में थोड़े बड़े बड़े पीस ले लेते हैं, वैसे एक पीस की जरूरत है, जो भी अच्छे से हाथ पकड़ा जी ग्रिप आ जाए उसको हम ले लेंगे। अब लेते हैं भाई यहाँ पर ग्लास। वैसे अक्सर में कुछ इस तरीके से फेंकता है, लेकिन ग्लास के साथ ये मामला नहीं है भाई, नाजुक चीज है ये, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसे ले लेंगे। और भाई ये रहा स्केल। अब गाइस देखते हैं भाई इससे ग्लास कट पाता है नहीं कट पाता है, और आप पहले अच्छे से ग्लास को देख लीजिए। कभी आपको कुछ समझ भाई तो ने पहले कटर से कट कर दिया, जो ग्लास कट रहा था इस पर कोई भी मार्क या कटिंग का निशान नहीं है, अगर आपको दिख जाए। देखते हैं भाई क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट है और सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। ओ वाओ गाइस देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए माइक क्या आवाज़ सुनिएगा। ठीक है यस इट्स वर्किंग। अब आप इस पर लाइन देखिए, शायद आपको दिख रही होगी बहुत अच्छी तरीके से। और भाई अभी से ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ तोड़ता हूँ इसे। ओह माय गॉड, कहीं और से टूटा है, कहीं और से टूटा है, लगता है ज्यादा जान लगा दी। तो भाई हम लेते हैं प्लाय और देखते हैं भाई यहाँ तो कट पाता नहीं कट पाता इसी तरीके से। नहीं 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 भाई इसने लाइन तो ड्रॉ कर दी, लेकिन जो ग्लास है देखिए नहीं इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा। खैर हम हार नहीं मानेंगे, हम एक बार और ट्राई करेंगे। यह ग्लास कटर, ठीक है इससे कट कर देखते हैं पहले। एक झटके में अलग भाई यही काम का है, यानी गाइस आप ग्लास तो कट कर सकते हो मजबूरी में, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट कट नहीं कर सकते। तो गाइस ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, आप प्लीज घर पर ना करें, पहला वाला कर सकते हो सोल्डिंग वाला, ये वाला ना करें भाई। खैर इसे छोड़ते हैं और चलते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट पर। कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फिल ले लिया है और मैं इसे फटाफट कट कर लेता हूँ। गाइस आप जानते हो इंजन में इग्निशन होता है, काफी हाई टेम्परेचर होता है, तो भाई जब मैंने काफी घिसा और भाई ये बिल्कुल लाल हो जाता है, लेकिन घिसता नहीं आसने। तो भाई घिसने वाला तो साइड रखते हैं साइड में और सीधे से ब्रेक करते हैं।
आज तरह से टूट गया उतक है, ये पार्ट बचा है, अब देखते हैं इससे ग्लास कट कर। यार आपको क्या समझ यार, जब तूने करके देख ले दोबारा क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स लोग दावा करते हैं, तो भाई मैं सोच रहा हूँ क्या पता एक बार तो हो जाए। तो मैं एक मिरर लेकर आऊँ, पहले मैंने गिलास आपको कट करके बल्कि तोड़ के दिखाया था, कट तक नहीं हुआ था। इस बार देखते हैं भाई इस मिरर का क्या होता है। ठीक है यार, आपके काफी धांसू लाइन ड्रॉ करी, देख सकते हो अलग ही चमक रही है बिल्कुल। भाई वाह गाइस, एक बार बताऊं भाई कट तो जाता है, ये बात नहीं गाइस नहीं कटता, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कटता। देखिए जो आधे लाइन है वो तो टूट गई गाइस, देखिए यहाँ पे अभी भी देखो मार्क बाकी है, यहाँ से नहीं टूटा है, इसके साइड ब्रेक हुआ है और यहाँ से बिल्कुल ठीक से टूट गया है। तो फ्रेंड्स आप इसे काट तो सकते हो इमरजेंसी में, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कट कर सकते, ये मैंने आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट बता दिया था। तो इसे हम सक्सेसफुल कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने लाइन ड्रॉ करी है तो भाई ये टूट गया। अब सपोज कीजिए बिना लाइन ड्रॉ कर मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, देखिए ये हाल हुआ आपका सामने बिल्कुल लाइव, ठीक है, और मार्किंग करने से ये फायदा हुआ ये कट गया, ठीक है, एक रोड तो नहीं कटा लेकिन अच्छा कट गया। तो गाइस फिर से मैंने ले लिया है, नाम की क्या जरूरत आपको पता है। तो भाई मैंने इसे नंगा कर दिया है, फ्रंट में से पहले किया था, वो गाइस यहाँ से टूट गया था वरना मैं उसी का यूज कर लेता, मतलब कि मेरा मतलब गाइस मैंने दूसरा ले लिया है। अब गाइस ये रही 12 वोल्ट की बैटरी, मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, ठीक है 12.9495 गट्टर बढ़ रहे हैं जो बात है, हाँ आप सेट हो गए, तेरे का अप्रोक्सिमेट वोल्टेज है क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होती। तो भैया जी एक बार तो इस पर लगा लिया है, अब गाइस क्योंकि ये इंसुलेटर है और देखते भाई डायरेक्ट कनेक्ट है इसमें, पहले यार मैं आपको दिखा देता हूँ ये डायरेक्ट कनेक्ट है या नहीं है, वरना गाइस ये काम तो करना चाहिए। हाँ बस डायरेक्ट नहीं, लेकिन फ्रेंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, देखिए घट रहा बढ़ रहा बहुत ज़्यादा, एक जगह रुक ही नहीं रहा। खैर तो आप पहले डायरेक्ट हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई ये रहा LEDs, ठीक है, तो ये जला के देखते हैं क्या पता फ्रेंड्स रेड फ्यूज हो जाए, भाई डार्क तो फ्यूज हो जाएगी, देखिए मैं आपको डार्क दिखाता हूँ, ये है पॉजिटिव इसका, देखिए गई एक बार जली थी और गई, अब नहीं जलेगी कभी भी जिंदगी में। अब इसे जला के देखते हैं, चलो ये ले लेते हैं कोई सी LED, और ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि हमने पॉजिटिव में लगाया है, ये नेगेटिव है। भाई वाह गई, देखिए ग्लो देखिए कितनी मस्त ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है, और देखिए जो ये तार हिल गया, हाँ ठीक है, और LED फ्यूज भी नहीं हो रही है, बहुत मस्त काम कर रही है। और भाई दूसरी साइड से लग देखते हैं रेड कलर की, देखते हैं देखिए इतनी तेज नहीं जल रही है, जलनी चाहिए, लगता है ख़राब हो जाएगी इससे, वोल्टेज थोड़े से हाई है, हाई हाँ भाई भाई वहाँ देखिए 8 GB चल रही है, मस्त है बिल्कुल। तो गाइस ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब रहा, आप इसे एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है, सपोज के आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है और आपको यूज करना है, मतलब आपको एक LED चलानी है, तो आप आराम से इससे यूज कर सकते हो, भाई काफी बड़ा रेजिस्टेंस है और भाई हीट भी नहीं हो रहा। अब देखते गाइस क्या इससे DC मोटर चल सकता है, लाइव देखेंगे, पहले आपको बिल्कुल लाइव दिखा दूं, एक बार लगाऊंगा भैया, हाँ देखिए हमारा मोटर, हाँ देखिए कैसे चीख सी निकली इसकी। खैर अब इसे देखते हैं, LED तो चल रही है, चल रही चल रही है, बड़ी दिक्कत है यार, चल जा भी, हाँ चला चला चला, देखिए देख चल रहा है, यानी आप इससे मोटर भी आराम चला सकते हो 12 वोल्ट की बैटरी से, देखिए बढ़िया। तो गाइस ये डायरेक्ट 12 वोल्ट चल रहा है और बिल्कुल अच्छी स्पीड पे, ना ही फ्यूज होगा और काफी अच्छे RPM भी दे रहा है। तो गाइस मुझे यकीन है आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे लगेंगे, सारे 100% सक्सेसफुल रहे, और प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं और कौन से एक्सपेरिमेंट इस स्पार्क प्लग से आप करना चाहोगे या सोचोगे भी समर ये और कर देता थोड़ा अच्छा होता, कमेंट करके जो बताएं। प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बताएं आपके एक्सपेरिमेंट कैसे लगे।